अगली खबर मध्य प्रदेश के देवास से हमारे पास आ रही है, जहां जिला योजना समिति की बैठक में पहुंचे प्रदेश के खेल मंत्री, देवास जिले के प्रभारी मंत्री जीतू पटवारी और देवास से भाजपा सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी के बीच जमकर बहस हो गई। इस दौरान मंत्री जीतू पटवारी ने सांसद से कहा कि नियमों के तहत मैं आपको उठाकर इस बैठक से बाहर कर सकता हूं। आपको बता दें, हालांकि अधिकारियों की समझाइश के बाद दोनों शांत हुए और बैठक शुरू की गई, लेकिन बैठक खत्म होने के बाद एक बार फिर पटवारी और सोलंकी के में विवाद बढ़ गया। सूचना मिलने पर कांग्रेस कार्यकर्ता भी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और भाजपा प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हंगामा होता देख मंत्री जीतू पटवारी और सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी वहां से निकल गए। इससे पहले भी योजना समिति की बैठक में पटवारी और सोलंकी के बीच विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जनता न्यूज लाइव इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बैठक के बाद पटवारी ने कहा, सांसद की जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, बार बार हाथ और उंगली दिखाकर बात कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा, इस पद की गरिमा होती है, हमारा सांसद कैसा है यह जनता ने भी देखा। यह पार्टी से उठकर जनप्रतिनिधियों के व्यवहार का मामला है। जनप्रतिनिधियों का एक व्यवहार होता है, वह जनता के होते हैं, किसी पार्टी के नहीं। यह भावना सांसद जी में आनी चाहिए। मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में सभा कक्ष में आयोजित इस बैठक में जिले के प्रभारी मंत्री जीतू पटवारी, कलेक्टर, एसपी, जिला पंचायत, सीओ, प्रशासन के अन्य अधिकारियों के अलावा देवास से भाजपा सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता न्यूज लाइव, देवास, मध्य प्रदेश। सांसद है तो आप देवास की सही आवाज उठाने।